वर्ड इस पर नजर डालेंगे नगर की प्रमुख खर्चों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना का हुआ आगाज। क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर के साथ ही शहर विधायक चेतन काश्यप ने फीता काटकर योजना का किया शुभारंभ। लाडली लक्ष्मी बहना योजना के शुरुआत में ही पंजीयन को लेकर लगी लंबी लंबी महिलाओं की कतार। सर्वर डाउन होने से नहीं हुआ 12 बजे तक महिलाओं का पंजीयन। अव्यवस्थाओं पर कलेक्टर ने लगाई निगम आयुक्त को फटकार। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में शहर कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हुए कांग्रेस जन शामिल। और गणगौर तीज के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह हुए चल समारोह आयोजित। शिव पार्वती की पूजा कर महिलाओं ने मनोरथ पूर्ण होने की कामना। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का आज शहर में शानदार आगाज हुआ। शहर के अलकापुर स्थित कम्युनिटी हॉल पर क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर, शहर विधायक चेतन काश्यप, महापौर व निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में क्षेत्रीय पार्षद देवश्री पुरोहित ने जनप्रतिनिधियों को तिलक लगाकर स्वागत किया। तत्पश्चात सांसद गुमान सिंह डामोर, शहर विधायक चेतन काश्यप आदि ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया तथा हॉल में बैठी महिलाओं पर मुख्य अतिथियों द्वारा पुष्प वर्षा कर लाडली बहनों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को महापौर के साथ शहर विधायक चेतन काश्यप व सांसद गुमान सिंह डामोर ने संबोधित किया। इस अवसर पर शहर विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि जिस तरह से एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, उसी प्रकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की लाडली बहनों के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रारंभ में कहा कि लाडली बहना योजना सिर्फ 920 भाई लड़कियां पैदा हो रही थी लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना के बाद में, आज हमारे यहाँ पर 935 से ऊपर के जो आंकड़ा नीचे जा रहा था वो ऊपर आना चालू हुआ। अगले भविष्य की समाज की चुनौतियों को देखते हुए एक राजनेता को कार्य करना चाहिए, वैसी कार्यशैली हमारे शिवराज सिंह चौहान की है। और अब जो ये योजना आज जिसका शुभारंभ हम कर रहे हैं, आज आप सबका जो बहना यहाँ पर है कि उन्हें आर्थिक रूप से ताकत, उनके परिवार में प्रतिष्ठा बढ़े, उनका आत्मसम्मान बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े और घर के अंदर जो छोटे बड़े खर्च कई बार समस्याएं रहती है, ये सारे खर्च के लिए उसके अपने खाते में 1,000 रुपया हर माह आएगा। यह इस तरीके की योजना के हर बहन के यहाँ पर एक मामा का जो दायित्व रहता है, भाई का दायित्व है, उसे पूर्ण करने के लिए ये तरीके की कई कल्याणकारी योजनाएं शिवराज जी की सरकार में बनी है। कार्यक्रम में निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा, सैलाना पूर्व विधायक संगीता चारेल, मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित के साथ निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, निगम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पूरे जोर शोर के साथ में लाडली लक्ष्मी बहना योजना की शुरुआत प्रदेश के साथ ही शहर में भी की गई, जिसके लिए निगम कर्मचारियों के साथ ही महिला बाल विकास विभाग की टीम कार्य कर रहे थे। शहर के अधिकांश सेंटरों पर लाडली बहना योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने वाली महिलाओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। वैसे तो रजिस्ट्रेशन का कार्य सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाना था, लेकिन 11 बजे तक लाडली बहना योजना के कार्य की शुरुआत नहीं हो सकी। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के पीछे मुख्य वजह सर्वर डाउन होने की बात कही गई, जिसकी वजह से शहर के समस्त वार्डों में पंजीयन स्थल पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। यहां पर कार्य कर रहे कर्मचारियों से जब पंजीयन नहीं होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से ही सर्वर डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से शहर में कहीं भी योजना का पंजीयन कार्य शुरू नहीं हो पाने की बात कही। पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजीव रावत ने जानकारी देते हुए बताया, आज मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना के महिलाओं से
फॉर्म भरवाया जा रहा है जो शासन द्वारा जो योजना लागू की जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर जो हितग्राही महिला हैं वो सुबह से सभी अपने डॉक्यूमेंट लेके जो केंद्र है यहाँ पर जवाहर नगर अम्बेडकर मांगली खाल वार्ड जो भी वार्ड क्रमांक 13 के अंतर्गत आता है यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ का जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है और अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भराए गए हैं। अभी हमने कमिश्नर साहब से आयुक्त महोदय से तो उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं ताकि ये जो फॉर्म है वो जमा कर लिया जाए और बाद में महिलाओं को बुलाकर उनको उन जो OTP और जो सर्वर अभी जो डाउन चल रहा है वो जो प्रक्रिया वो बाद में कर ली जाए। ये थोड़ी दिक्कत ये आ रही है, सर्वर डाउन चल रहा, लेकिन जो पात्र हितग्राही महिला हैं वो सारी जो जिन्होंने अपना KYC करा लिया वो मतदान के यहाँ पे केंद्र में पहुँच चुकी है, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से कार्य अभी रुका हुआ पड़ा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज को नाम मिल गया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज अब भाजपा के कद्दावर नेता और 8 बार सांसद रहे स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के नाम से पहचाना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा युवा दिवस कार्यक्रम में की है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे केवल जावरा और मंदसौर ही नहीं बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते थे। उन्हें मालवा के गांधी नाम से भी संबोधित किया जाता था। दरअसल वर्ष 2018 में लोकार्पण के बाद से ही रतलाम मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर कई नामों पर चर्चा और विचार विमर्श हो रहा था। स्वयं मुख्यमंत्री ने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के नाम की घोषणा की है। इसके बाद अब रतलाम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। रतलाम मेडिकल कॉलेज का होगा, रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज। 11 बार सांसद रहे, अब ये श्रद्धा तो हमें व्यक्त करनी चाहिए। ये उनके कामों को प्रणाम है, ये उनके योगदान को प्रणाम है। रतलाम जिला शहर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन प्रभारी अमिताभ मंडलोई की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव के पूर्व महत्वपूर्ण मंडल एवं सेक्टर पुनर्गठन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से रद्द की गई उसकी निंदा की गई। महेंद्र कटारिया ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी दलों को कुचला जा रहा है। भाजपा केंद्र से लेकर प्रदेश तक संविधान का मखौल उड़ा रही है। संवैधानिक संस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं। स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पदाधिकारियों के परिवारजनों पर मुकदमा बनाया जा रहा है। इन सब का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक को मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्रीमती यास्मीन शेरानी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, जिला युवा अध्यक्ष मयंक जाट, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमरुद्दीन कछवाया ने अपने सुझाव दिए। बैठक के पश्चात कार्यालय से पैदल मार्च के रूप में महू रोड फव्वारे पर जाकर राहुल गांधी जी के समर्थन में हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया। चलिए वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, स्वागत है। कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिल रहा। बेटा अंकल के लिए पानी ले आओ। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या OD लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर MP बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज।
अरे मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है, क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें TFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास 2 बत्ती रतलाम। फोन नंबर 07412356268 777303880। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रतलाम रेलवे स्टेशन से जिले के 375 यात्रियों को रामेश्वरम तीर्थ दर्शन के लिए रतलाम रेलवे स्टेशन से रवाना किया। तीर्थ यात्रियों के दल को सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चेतन काश्यप, विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, विधायक दिलीप मकवाना, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, महापौर निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा शर्मा, प्रदीप उपाध्याय, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जिला पंचायत CEO श्रीमती जमुना भिड़े आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर में गणगौर का पर्व महिलाओं व युवतियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र व युवतियों ने अच्छे पति की कामना को लेकर गणगौर तीज का व्रत कर पूजा अर्चना की। गणगौर की प्रतिमा को सिर पर रखकर शहर के प्रमुख मार्गों से कई चल समारोह निकाले गए। भरावा की कुई स्थित शेष नारायण मंदिर से श्री मेठ क्षत्रिय मारवाड़ी स्वर्णकार महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती ताराबेन सोनी के नेतृत्व में मंदिर से भव्य चल समारोह आयोजित किया गया। चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर पर महाआरती पश्चात समाप्त हुआ। चल समारोह में सावित्री सोनी, कृष्णा मीडिया, सुशीला रूनवाल, शशि संघट, निर्मला सोनी, वंदना सोनी, बरखा सोनी के साथ बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुई। वहीं ब्राह्मणों के वास से भी गणगौर तीज के उपलक्ष्य में चल समारोह आयोजित किया गया था। चल समारोह में बड़ी संख्या में माता बहनें शामिल हुई। पुलिस अधीक्षक से मिले निर्देशों के बाद रतलाम जिले की पुलिस ने नशे का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाने शुरू कर दी है। रतलाम जिले के आलोट में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आलोट पुलिस ने कार्यवाही की है। मुखबिर की सूचना पर आलोट पुलिस ने गांव गुल बालोद से 1 किलो गांजा जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की है। आरोपी बापू सिंह उसके गाँव गुल बालोद में उसके खेत पर बने टीन के शेड के नीचे नशे का कारोबार करता था। पुलिस ने उससे 900 ग्राम गांजा जब्त किया। मौके से आलोट के एक नशेड़ी अनवर शाह कबाड़ी पिता अहमद शाह को भी 100 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में गांजा बेड़ावन निवासी नंद किशोर पिता भेरूलाल धाकड़ थाना उन्हेल जिला उज्जैन से लाना बताया। पुलिस ने दबिश देकर उक्त आरोपी को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। तीन आरोपी पर NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना का हुआ आगाज। क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर के साथ ही शहर विधायक चेतन काश्यप ने फीता काटकर योजना का किया शुभारंभ। लाडली लक्ष्मी बहना योजना के शुरुआत में ही पंजीयन को लेकर लगी लंबी लंबी महिलाओं की कतार। सर्वर डाउन होने से नहीं हुआ 12 बजे तक महिलाओं का पंजीयन। अव्यवस्थाओं पर कलेक्टर ने लगाई निगम आयुक्त को फटकार। कांग्रेस पार्टी के
राष्ट्र नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में शहर कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हुए कांग्रेस जन शामिल। गणगौर तीज के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह हुए चल समारोह आयोजित। शिव पार्वती की पूजा कर महिलाओं ने मनोरथ पूर्ण होने की कामना।